أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सारी जन्नत में रसूले अजली लिखा है, सारी जन्नत में रसूले अजली लिखा है, डाली डाली पे अली और वली लिखा है, सब पत्तों पे हसन और कली पर जहरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है, सारी जन्नत में रसूल अजली लिखा है, डाली डाली पे अली और वली लिखा है, सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर जहरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है। एक सलावत पढ़ दे। الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुबहानहु तबारका व तआला व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमत अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलाद्दाल्लीन। अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत, एक गुजारिश है आप हज़रात से कि एक मोमिना अलील हैं, पाँच मरतबा अम्मन युजीबू का अमल फरमा दें ताकि परवरदिगार आलम उन्हें भी और जितनी भी मुहिब्बान अहले बैत में जितने भी अफराद अलील हों, परवरदिगार उन्हें भी सेहत कामला इनायत फरमाए। बावाज़ बुलंद अम्मा युजीबू का अमल फरमा दें। अल्लाह हुदा आले मोहम्मद हैं, उन सबको सेहत व सलामत फरमा। परवरदिगारा बिलखसूस जिस मोमिना के सेहत के लिए दुआ की गई है उसे जल्द से अहले बैत नबी के सदक़े में सेहत याब फरमा। एक सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत, अज़ादरान इमाम मज़लूम करबला, सिलसिला गुफ्तगू धीरे धीरे अपनी मंजिलों को तय कर रहा है और मैंने आपकी खिदमत में जिस मौजू का इंतखाब किया वो आपके जहनों में है कि सीधा रास्ता, और ये वो सीधा रास्ता है कि अगर इंसान इस सीधे रास्ते पर कायम हो जाए तो वो दुनिया में भी कामयाब है और आखरत में भी कामयाब है। और हम क्यों ना सीधे रास्ते पर कायम रहें, इसलिए कि हमारे ही फ़िरका वो है कि जिसमें कायम आले मोहम्मद मौजूद हैं। तो हम तो सीधे रास्ते पर इंशाअल्लाह कायम रहेंगे, लेकिन कुशादगी
और अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचे। हम सीधे रास्ते की तबलीग इसलिए भी करते हैं कि जो अफराद सीधे रास्ते से भटक चुके हैं या जिन्हें सीधा रास्ता नज़र नहीं आता, अल्लाह अगर उनकी हिदायत कर सकता है, उनके कुलूब पर अगर मोहरें नहीं लगी हुई हैं, तो जल्द से जल्द परवरदिगार आलम उन्हें भी सीधे रास्ते पर कायम कर दे, क्योंकि यही रास्ता जन्नत का रास्ता है, यही रास्ता इस्लाम का रास्ता है, यही रास्ता दीन का रास्ता है, यही रास्ता शरीयत का रास्ता है, यही रास्ता कुरान का रास्ता है। मुसलमान इस रास्ते को समझे तो इसलिए कि इस रास्ते पर चलने के लिए नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ने इरशाद फरमाया कि यही वो रास्ता है जो सिरात मुस्तकीम है। एक शरा में और बिलखसूस गदीर के मैदान में नबी करीम ने जो खुतबा दिया, उस खुतबे में यह भी बताया कि ये अली सिरात मुस्तकीम है, सीधा रास्ता इन्हीं अली ज़ात अमीरुल मोमिनीन का रास्ता है, यही रास्ता वो रास्ता है कि जिसके ऊपर कायम रहने की हर दुआ चाहता है। हर इंसान ये कोशिश करता है कि सीधा रास्ता मिले, लेकिन सीधा रास्ता बग़ैर मोहम्मद व आले मोहम्मद मिल ही नहीं सकता है। और सलवात भेजिए, बग़ैर अहले बैत नबी सीधा रास्ता मिल ही नहीं सकता है। हमने अहले बैत नबी के ज़रिए सीधा रास्ता लिया है, हमने अहले बैत नबी के ज़रिए सीधा रास्ता समझा है, और अल्लाह का शुक्र है कि अहले बैत नबी ही के सहारे से हम इस सीधे रास्ते पर बाकी हैं। जिस दिन हमारे हाथों से खुदा न करे दामने मोहब्बत अहले बैत छूट जाए, तो गोया हमसे सीधा रास्ता छूट गया। चाहे वो दुनिया का सीधा रास्ता हो, चाहे वो मरने के बाद का रास्ता हो, दुनिया में तो इंसान सिरात मुस्तकीम पर चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इस दुनिया में सिरात मुस्तकीम पर बाकी रहा वही आखरत में भी पुल सिरात को पार करेगा। देखिए, आखरत में भी एक रास्ता है जिस पर से हर एक को गुजरना है। दुनिया में तो हम सिरात मुस्तकीम पर हैं, और जो इस दुनिया में सिरात मुस्तकीम पर रहेगा मरने के बाद भी उसे पुले सिरात पर से गुजरना पड़ेगा। पुले सिरात के ऊपर से हर शख्स को गुजरना पड़ेगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो पुले सिरात को ना पार करे, लेकिन अजीजाने गिरामी वही पार कर पाएगा कि जिसके दिल में विकार अहले बैत भी हो, मोहब्बत अहले बैत भी हो, और दामन कुरान भी हो। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। अजीजाने गिरामी, आपने देखा होगा कि अगर एक पतली रस्सी पर भी कोई चलता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों हाथों का बैलेंस बराबर रहे। बचपने में आपने देखा होगा, यूं आपने मुशाहिदा किया होगा, लोग करतब दिखाते हैं, एक रस्सी के ऊपर चले जा रहे हैं, तो कैसे जाते हैं? खाली हाथ नहीं जाते हैं, एक हाथ में कुछ लेके नहीं जाते हैं, दोनों हाथ में कुछ रखते हैं ताकि बैलेंस बराबर रहे। अब सिरात मुस्तकीम पर हम कायम हैं तो यूं ही थोड़ी हैं, एक हाथ में दामन अहले बैत है, एक हाथ में दामन कुरान है, और इंशाल्लाह ये दोनों हमें सिरात मुस्तकीम पर भी कायम रखेंगे और पुले सिरात पर से भी हमें गुजार देंगे। एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। अजीजाने गिरामी, सीधा रास्ता अलग अलग जानियों से लोगों ने समझा और अलग अलग तरीक़ों से लोग बयान करते हैं। कोई कहता है सीधा रास्ता नमाज का रास्ता, कोई कहता है सीधा रास्ता रोज़े का रास्ता, कोई कहता है सीधा रास्ता ज़कात का रास्ता, कोई कहता है सीधा रास्ता खुमुस के अहकाम का रास्ता, कोई कहता है सीधा रास्ता हज बैतुल्ला का रास्ता, कोई कहता है सीधा रास्ता कुरान का रास्ता। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मैं मुखालफत नहीं करता कि सीधा रास्ता नमाज का रास्ता भी सीधा रास्ता है, रोज़े का रास्ता भी सीधा रास्ता है, ज़कात का रास्ता भी सीधा रास्ता है, हज बैतुल्ला का रास्ता भी सीधा रास्ता है, ये सब सीधे रास्ते हैं। लेकिन आपने कभी यह भी गौर किया कि अली का वो रास्ता है कि जिस रास्ते पर चलने के बाद नमाज भी मिल जाती है, रोज़ा भी मिल जाता है, ज़कात भी मिल जाती है, हज बैतुल्ला भी मिल जाता है, शरीयत भी मिल जाती है, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत भी मिल जाती है, कुरान हकीम भी मिल जाता है? क्या कहना ज़ाते अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। कहना
ذات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کہ اس ذات میں ساری کائنات کے صفات موجود ہیں، آدمیت کا علم ہے تو اس میں ہے، نو کی عظمت ہے تو ان میں ہے، ابراہیم کی جلالت ہے تو ان میں ہے، موسیٰ کی حیبت ہے تو ان میں ہے، عیسیٰ کا زہد ہے تو ان میں ہے، یحییٰ ہے تو ان میں ہے، سلیمان کی حکومت ہے تو ان میں ہے، یوسف کا حسن و جمال ہے تو ان میں ہے، محمد کا کمال ہے تو ان میں ہے، قرآن کی تفسیر ہے تو ان میں ہے، کعبے کی عظمت ہے تو ان میں ہے، صلح حدیبیہ کا کاتب ہونا ہے تو ان میں ہے، لا فتح کا ترانہ ہے تو ان میں ہے، لا فتح کا ترانہ ہے تو ان میں ہے، قسم خدا کی علی اس ذات واجب، اس ذات کا، اس ذات کو کہتے ہیں، اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے کہ انسان جس زاویے سے علی کو دیکھے گا علی میں صفات نظر آئیں گے، نبی نے دیکھا اپنا وسیع کہا، نصیری نے دیکھا اپنا خدا کہا، جبرائیل نے دیکھا تو اپنا استاد کہا، خیبر نے دیکھا تو لا فتح خیبر نے دیکھا تو کامیاب کہا، احد و بدر نے دیکھا تو لا فتح کا ترانہ سنائی دیا، خندق نے دیکھا تو کل ایمان کہا، فاطمہ نے دیکھا تو اپنا شوہر کہا، حسنین نے دیکھا تو اپنا بابا کہا، غدیر میں ہم نے دیکھا تو اپنا مولا کہا، غدیر میں ہم نے دیکھا تو اپنا مولا کہا۔ ارے جناب جناب، آپ اگر اپنا زاویہ فکر بدل بھی لیجئے، محبت میں نہ دیکھیے عداوت میں دیکھیے، محبت میں نہ دیکھیے عداوت میں دیکھیے، قاتل سے بڑھ کے کون عداوت رکھنے والا ہوگا؟ شب ہجرت شیعہ ہونے کی حیثیت سے نہ دیکھیے، سنی ہونے کی حیثیت سے نہ دیکھیے، کسی اسلامی فرقے کا کوئی فرد ہونے کی حیثیت سے نہ دیکھیے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہ دیکھیے، اگر شب ہجرت قاتل ہونے کی حیثیت سے بھی ایک نہیں 40 نے دیکھا تو سب کے سب علی کو نبی سمجھے، تو دشمن بھی دیکھے تو علی کا مرتبہ بڑھائی کے دیکھتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، انہی کا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، انہی کا راستہ جو ہے وہ حق کا راستہ ہے۔ تو بے شک نماز کا راستہ بھی سیدھا، روزے کا راستہ بھی سیدھا، زکوٰۃ کا راستہ بھی سیدھا، حج بیت اللہ کا راستہ بھی سیدھا، اور یہ میرا پورا چیلنج ہے کہ کوئی بھی خطیب ہو، کوئی بھی ذاکر ہو، کوئی بھی مولا علی کا ماننے والا ہو، کبھی نماز کے خلاف نہیں بولتا، کبھی روزے کے خلاف نہیں بولتا، کبھی زکوٰۃ کے خلاف نہیں بولتا، کبھی حج کے خلاف نہیں بولتا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ذاکر نماز کے خلاف بولا، ذاکر روزے کے خلاف بولا، ذاکر حج کے خلاف بولا، تو ذاکر کے بولنے کی خطا نہیں ہے، یہ سمجھنے والے کی سمجھ کی خطا ہے، یہ سمجھنے والے کی سمجھ کی خطا ہے۔ میرے پاس، میں نے دعویٰ کیا ہے تو میرے پاس دلیل بھی ہے، امام معصوم، امام پنجم، امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ ہے، امام کی خدمت میں حاضرین حاضر ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ امام نے ایک مرتبہ، پوری توجہ کیجئے گا، امام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اپنی ولایت کے سلسلے میں، امیر المومنین کی ولایت کے سلسلے میں امام نے ارشاد فرمایا، پوری توجہ کیجئے گا، اور کہیں پر اگر کبھی کوئی کسی ذاکر کسی خطیب پر یہ الزام لگائے کہ انہی نے نماز کی توہین کی، انہی نے روزے کو گھٹا دیا، انہی نے زکوٰۃ نہیں بیان کی، تو آپ یہ جواب دے دیجئے گا کہ پانچویں امام کی بزم ہے، امام عالی مقام پانچویں امام تشریف فرما ہے، چاہنے والوں کا مجمع ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، راوی بھی بیٹھا ہوا ہے جو روایت نقل کرتا ہے کہ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی ولایت کے سلسلے میں، مولا علی کی ولایت کے سلسلے میں، اور ارشاد فرماتے 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 ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، توجہ رکھیے گا، ولایت کو سمجھو اور عارف ہو جاؤ، ولایت کے معرفت حاصل کر لو، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ علی کی ولایت کی معرفت حاصل کرنے کے بعد جو دل چاہے کرو،
अरे अजीब बात है, बहुत संभल के सुनिएगा। अगर मैं यहीं पर तकरीर के जुमलों को रोक दूं तो कल मेरा नाम भी मौजू में आ जाएगा। एक दूसरे को फोन करेगा, देखिए क्या उन्हीं ने पढ़ दिया, देखिए क्या पढ़ दिया। पांचवें इमाम इरशाद फरमा रहे हैं, अली की विलायत की मार्फत हासिल कर लो और उसके बाद जो दिल चाहे करो। नहीं, फिर सुना दूं। पांचवें इमाम ने इरशाद फरमाया, मौला अली की विलायत की मार्फत हासिल करो और हासिल करने के बाद जो दिल चाहे करो। अल्लाह हू अकबर, जो आप सोच रहे हैं वही उसने भी सोचा था। जो वहां रावी बैठा था वही उसने भी सोचा। जो आप सोच रहे हैं मेरे इन जुमलों को सुनने के बाद, इमाम के जो जुमले हैं जो मेरी जबान से आपने सुने, कि अली की विलायत की मार्फत हासिल करने के बाद जो दिल चाहे करो, सोचने वाले ने सोचा ये क्या बात है। इसका मतलब ये है कि अली की विलायत की मार्फत हासिल करने के बाद जो दिल चाहे करें, शराब पिए, जुआ खेलें, तोहमत लगाएं, बोतान बांधे, जिना करें, ये सब करें, ऐसे उसने ये सोचा। इमाम आली मकाम जो दिलों के हालात जानते हैं, इरशाद फरमाते, पूरी बेदारी से सुनिएगा। इमाम इरशाद फरमाते, तूने जो सोचा वो गलत सोचा। अल्लाह अकबर। इमाम इरशाद फरमा रहे, अली की विलायत की मार्फत हासिल करने के बाद जो दिल चाहे करो। रावी कहता है मैं ये सोचा कि विलायत अली की मार्फत हासिल करने के बाद अब इंसान जो भी बुराई करे वो कर सकता है। इमाम ने कहा इसका मतलब ये नहीं है, उसने सोचा, उसने अपनी जबान से नहीं कहा था। इमाम ने कहा तुम ये सोच रहे हो ना, ये गलत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अली की विलायत की मार्फत हासिल करने के बाद जो दिल चाहे करो, उससे मुराद है अब दिल चाहे नमाज पढ़ो, दिल चाहे रोजा रखो, दिल चाहे जकात दो, दिल चाहे हज बैतुल्ला करो, दिल चाहे कुरान करो, अब जितनी भी नेकियां करोगे सब अल्लाह कबूल करेगा। एक सलवात में खजाने की जीनत को, खजाने की जीनत को एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजान गिरामी, बरादरान ईमानी, मोहिब्बान अहले बैत, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, अब आप समझे कि जब इमाम की गुफ्तगू पर कभी कभी लोग गलत समझने लगते हैं तो इमाम तो दिलों की बात जानते हैं ना, तो उन्हीं ने टोक दिया। यहाँ तो हम अपनी बात जानते हैं, आपके दिल की बात जानते नहीं हैं। तो कोई जाकिर अगर विलायत अली पर कुछ पढ़े तो कभी ये ना सोचिएगा कि ना इसका मतलब क्या है। अरे उन्हीं ने इतने फजाइल पढ़ दिए, इसका मतलब नमाज ना पढ़ें। ये आप समझ रहे हैं इसका मतलब नमाज ना पढ़ें। किसी जाकिर, किसी खतीब, किसी अहले बैत के चाहने वाले ने किसी मिंबर पर जाके क्या कभी ये कहा कि नमाज ना पढ़ो, रोजा ना रखो, जकात ना दो, हज बैतुल्ला ना करो, खाली विलायत अली का इकरार कर लो। मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है कभी किसी जाकिर ने कहा हो। हाँ ये जरूर कहा कि नमाज से अफजल विलायत अली है, रोजे से अफजल विलायत अली है, जकात से अफजल विलायत अली है, हज बैतुल्ला से अफजल विलायत अली है। इसलिए कि अगर नमाज खाली नमाज है तो कबूल नहीं है जब तक के विलायत अली ना हो, जब तक विलायत अली ना हो। और तबलीग तबलीग नहीं है जब तक के विलायत अली ना हो। तबलीग सीधे रास्ते का नाम है ना, तबलीग सीधे रास्ते का नाम है ना। तो सीधे रास्ते में अगर अली नहीं होंगे तो सीधा रास्ता रास्ता कहाँ। तबलीग सीधे रास्ते ही के लिए तो होती है, नमाज रोजा हज बैतुल्ला ये सब काहे के लिए होती है। तबलीग सीधे रास्ते के लिए, तबलीग आप भी करते हैं, सब करते हैं, जितने मोमिनीन एक दूसरे को तबलीग करते हैं। कोई मिंबर पर आके तबलीग करता है, कोई घर में तबलीग करता है, कोई दोस्तों में करता है, जो भी नेक आदमी है वो किसी न किसी जगह पर तबलीग दीन करता ज़रूर है। अजान का वक्त हो रहा है, घर में टीवी खुला हुआ है तो आपने वहीं पर तबलीग करी, भाई अजान का वक्त है टीवी बंद कर दो, तो ये तबलीग हुई ना। तबलीग हम भी करते हैं, तबलीग आप भी करते हैं, और तबलीग हमसे हमारे बुजुर्ग उलमा भी करते हैं।
ए बेटा चुपके बैठो, मजलिस में खामोश बैठा करो, एक सलवात भेज दिया मोहम्मद वाले। भाई देखिए खाली सलवात इधर वालों के लिए नहीं है, उधर वालों के लिए भी मिलजुल के सलवात भेज दिया मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजान गिरामी तबलीग सब करते हैं, तबलीग हमने भी की आपने भी की, मगर जब बात आती है तो जो लोग मिंबर पर आते हैं आप कहते हैं साहब आप तबलीग करते हैं, आप मजलिस पढ़ते हैं, आप दुआ कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए, सब होता है नहीं होता है। तो मालूम है हमने तबलीग की तो आपने ये समझा कि हमने आपसे ज़्यादा अच्छी तबलीग की, हमसे बड़े आलिम ने तबलीग की, हमने कहा उन्हीं ने हमसे ज़्यादा तबलीग की, उनसे बड़े आलिम ने तबलीग की, उन्होंने कहा उन्हीं ने बहुत तबलीग की, उनसे बड़े आलिम ने तबलीग की, तो उन्होंने कहा भाई उन्हीं ने बहुत बड़ी तबलीग की। तो जितना जितना मर्तबा बढ़ता जाता है तबलीग बढ़ती जाती है। आदम की तबलीग और है, नूह की तबलीग और है, इब्राहिम की तबलीग और है, मूसा की तबलीग और है, ईसा की तबलीग और है, तमाम अंबिया ने तबलीग की, लेकिन सबसे बेहतर सबसे अफजल तबलीग की हुजूर खत्मी मर्तबत ने, हमारे नबी ने मोहम्मद रसूलल्लाह ने सबसे ज्यादा तबलीग की, बड़ी मुश्किलात की तबलीग की, पत्थर खा के तबलीग की, कांटों पर चल के तबलीग की, आबाई वतन छोड़ के तबलीग की, मुसीबतें झेल के तबलीग की, कूड़ा फेंका गया मगर तबलीग करते रहे, कूड़ा फेंका गया मगर तबलीग करते रहे, इज्जियान की तोहमत लगाई गई मगर तबलीग करते रहे, बच्चे तालियां बजाते रहे मगर नबी करीम तबलीग करते रहे, बड़ी मेहनतों से तबलीग की, कसम खुदा की किसी ने भी इतनी मेहनत से तबलीग नहीं की होगी जितनी मेहनत से तबलीग हुजूर खत्मी मर्तबत ने की, पूरे इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम की इमारत पूरी तैयार हो चुकी है। देखिए आदम ने तबलीग की अपने बेटों के दरमियान, नूह ने तबलीग की जो लोग सफीने पर सवार हो चुके थे, इब्राहिम ने तबलीग की अपनी कौम में की, ईसा ने तबलीग की अपनी मिल्लत में की, लेकिन मोहम्मद ने तबलीग की आदम से लेकर खातम तक जितने नबी आए थे उनके मानने वालों में तबलीग की, दहरियों में तबलीग की, मुशरकीन में तबलीग की, काफरीन में तबलीग की, मुनाफिकीन में तबलीग की, कालों में तबलीग की, गोरों में तबलीग की, दौलतमंद वालों में तबलीग की, गुरबत पसंद लोगों में तबलीग की, छोटों में तबलीग की, बड़ों में तबलीग की, इस कबीले में तबलीग की, उस कबीले में तबलीग की, सबके ऊपर मुहीद है तबलीग रिसालत, सबके ऊपर तबलीग नबी ने की, लेकिन जब नबी अपनी पूरी तबलीग को मुकम्मल कर चुके तो वो खुदा जो सबकी तबलीग देख चुका और नबी की तबलीग को भी देख रहा है, उसने ये कहा अगर ये ना पहुंचाया है, अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, वो है क्या, ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, वो है क्या, क्या वो है ये कि मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला, सलवात अली अली अजीजाने गिरामी तबलीग दीन को देखा अल्लाह ने, अगर ये नहीं पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। अब मुहर्रम के अशरे पढ़ने वाले तमाम खतीब, तमाम जाकिर और जाकराएं सब सुन ले, औरत मरद सब सुन ले जो मिंबर पर आके मजलिसें पढ़ते हैं कि नबी की 23 साल जिंदगी के मुतालिक कुदरत ने कह दिया अगर ये नहीं पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया। अरे आप सब पहुंचा चुके, वो एक तरफ विलायत अली एक तरफ, कभी कभी बड़ों को टोक के छोटों को समझाया जाता है, चचा मियां जब टोक दिए गए तो भतीजा सीधा बैठ जाए,
बूढ़े को टोक दिया गया है, भाई हमारे चचा दादा को उन्हीं ने टोक दिया तो मेरी औकात क्या है। नबी को इस मामले में टोक कर कुदरत ने बता दिया, जब नबी को टोका जा सकता है तो मौलवी की औकात क्या है। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नबी को टोका गया, नबी को टोका गया, ये ना पहुंचाया, मालूम हुआ कि सीधे रास्ते के लिए जरूरी है विलायत अली, क्योंकि रास्तों पर जब चलिए तो कहीं तिराहे पड़ जाते हैं, कहीं चौराहे आ जाते हैं, चलते चलते आदमी सोचने लगता है किधर मुड़े किधर से जाएं, जो हमें अपना रास्ता मिल जाए तो उसके लिए जरूरी है अहले बैत नबी की मोहब्बत। सीधे रास्ते के लिए जरूरी है इकरार विलायत अली का। जनाब देखिए उन्हीं ने तकरीर कर दी, और उन्हीं ने ऐसी तकरीर कर दी कि जिस तकरीर के बाद मालूम ये होता है कि अब नमाज आदमियों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, रोजा रखना ही नहीं चाहिए, ज़कात देनी नहीं चाहिए। उन्हीं ने ऐसी तकरीर करके चले गए। उनकी तकरीर की गलती नहीं है, आपकी समझ की गलती है। आपकी समझ की गलती है, माह मुबारक रमज़ान के रोज़ों की फजीलत मालूम है ना। अगर एक रोज़ेदार रोज़ा रख के सो जाए तो उसे उसकी हर एक सांस पर तस्बीह का सवाब मिलता है। अब सोते हम रहें दिन भर, ना नमाज सुबह पढ़ें, ना मगरिब पढ़ें, ना ज़ोहरैन पढ़ें, तस्बीहां पढ़ रहे हैं हम। मौली साहब ने खुतबे में बयान किया है, मसलन जुमे के खुतबे में उन्हीं ने नसीहत फरमाई है कि तस्बीह का सवाब है, अब कुछ ना करो। इसका मतलब यह है कि अब रमजान में नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब निकालता है इसका? क्या इसका मतलब यह नहीं है जो वाजिब है वो तो करना ही है? वाजिब तो तुम्हें करना ही है, वाजिब तो तुम्हें करना ही है। यह तो तुम्हें बोनस दिया जा रहा है रमजान में, ये बोनस है तुम्हारे लिए रमजान में, कि जब तुम रमजान में नमाज नहीं भी पढ़ रहे होगे यानी वाजिब अदा कर चुके होगे तब भी तुम्हें तस्बीह इलाही का सवाब मिलेगा। तो अजीजाने गिरामी विलायत अहले बैत वाजिब भी है और मुस्तहब भी है। विलायत अहले बैत वाजिब भी है मुस्तहब भी है। कहीं पर यह वाजिब हो जाती है, कहीं पर यह मुस्तहब हो जाती है, कहीं पर यह वाजिबों को बचा लेती है। और ये तो ऐसी है कि अगर ये ना हो तो वाजिब भी अल्लाह कबूल नहीं करता, अल्लाह वाजिब भी नहीं कबूल करता। तो सीधे रास्ते के लिए जरूरत है विलायत अली की। देखिए हमने मौला अली को ना बढ़ाया है ना घटाया है, जितना मौला अली को नबी ने बताया है हम उस जाविये से मौला अली को मानते हैं। लेकिन मुसलमानों में एक फ़िरका है सूफियों का, सूफियों के फ़िरके को जानते हैं ना। सूफी फ़िरका कौन सा होता है? सूफी फ़िरका वो होता है जो मज़ारों वाला फ़िरका कहलाता है, जिनके क्या औलिया कलंदर हैं इस किस्म के होते हैं, वो मौला अली को बहुत मानते हैं। उनकी एक किताब है तकरीबन 1100 सफहात पर मुश्तमिल, सफीने के नाम से, और उसके अंदर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने अजीब और गरीब बात लिखी है, देखिए मेरी बात नहीं है उनकी बात है। वो कहते हैं हजरत अली को शेखैन पर फजीलत हासिल है, और उन्होंने कहा फजीलत की दलील उनकी सुनिए, उनकी दलील है ये, उनकी दलील है कि शेखैन पर हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को फजीलत हासिल है। और वो ये कहते हैं कि फजीलत इसलिए हासिल है कि शेखैन की खिलाफत खत्म हो गई, शेखैन की खिलाफत खत्म हो गई, लेकिन हजरत अली की हुकूमत आज भी बाकी है।
حضرت علی کی حکومت آج بھی باقی ہے، وہ اسی زاویے سے مانتے ہیں حضرت علی کو جس زاویے سے دوسرے لوگ مانتے ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ فضیلت یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت آج بھی باقی ہے. بالکل انہوں نے بات صحیح کہی، حکومت آج باقی ہے، لیکن آپ نے زبان سے کہا علی کی حکومت باقی ہے، ہمارے عملی طور پہ بتایا جاتا ہے علی کی حکومت باقی ہے. اے بیٹا یہ نہ کرو. ایک اس سے بہتر صلوات بھیجیے، محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، وہ کہتے ہیں علی کی حکومت باقی ہے، وہ کہہ کے آگے بڑھ گئے. ہمارے یہاں ثابت ہوتا ہے کہ علی کا دربار سجا ہے، علی کی حکومت باقی ہے. آپ کہیں گے اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ دیکھیں جو لوگ یہاں پر تشریف فرما ہے، میری آواز سننے والوں میں شعرا بھی یہاں پر ہے، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اردو زبانے میں ایک چیز ہوتا ہے قصیدہ. کیا ہوتا ہے؟ قصیدہ ہوتا ہے. قصیدہ کس کی مدح میں ہوتا تھا پہلے؟ تاریخ قصائد پڑھیے تو معلوم ہے دولت مند حضرات کی مدح میں، جن کے دربار ہیں ان کی مدح میں. ہمارے ہندوستان میں بھی کچھ درباری شاعر تھے جو اپنے دربار کے جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا قصیدہ پڑھتے تھے. قصیدہ پڑھا جاتا تھا درباروں میں جا کے، قصیدہ خوانی ہو رہی ہے، وہاں شرفیوں کی تھیلیاں مل رہی ہیں، شاعر صاحب قصیدہ پڑھ رہے ہیں. لیکن جس دربار میں قصیدہ پڑھا گیا، اسی وقت تک قصیدہ اس دربار میں ہوا جب تک کہ دربار باقی رہا. اب دلی کے لال قلعے میں انسان جاتا تو ہے، مگر کوئی جا کے وہاں قصیدہ نہیں پڑھتا. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کوئی قصیدہ نہیں پڑھتا. جہاں ہوا بھی گزرتے وقت سوچ کے گزرتی تھی، آج ایک مزدور بھی اپنے جوتے پہن کر تخت مملکت پر سوار ہو جاتا ہے. بھائی کیا بات ہے، کل یہاں قصیدے پڑھے جاتے تھے، آج قصیدے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا بھائی دربار ختم ہو گیا، بادشاہ مر گیا؟ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، بادشاہ مر گیا، قصیدے مر گئے. جب تک کہ دربار رہتا ہے قصیدے ہوتے ہیں. اب کسی بھی مذہب میں کسی بھی رہنما کے قصیدے نہیں ہوتے، مگر ہمارے بارہ ہیں، باروں کے قصیدے ہیں. تو قصیدے خانی ہمارے ہاں آج بھی ہے. قصیدے کا ہونا اس بات کا مطلب ہے دربار بھی سجا ہوا ہے اور امام بھی تشریف رکھتے ہیں اور مدہ قصیدہ بھی پڑھتے ہیں اور ان کو تھیلیاں بھی ملتی ہیں. لیکن دنیا کے دربار تھے، دنیا کی تھیلیاں ملتی تھیں. دنیا کے دربار تھے، دنیا کی تھیلیاں ملتی تھیں. وہ دین و دنیا کے مالک ہیں تو دنیا کا بھی مال ملتا ہے اور آخرت کی تھیلی ملتی ہے. وہ خالی ایک تھیلی دے کے ٹل جاتا تھا معاملہ، یا ایک بیعت پر جنت میں ایک بیعت ملتا ہے، ایک بیعت پر ایک بیعت ملتا ہے. شعرا اکرام سے ہمیشہ دوستی رکھا کیجئے، جو مدح اہل بیت میں شعر کہتے ہیں، جنہی نے مدح اہل بیت میں قصیدے کہے ان سے ضرور تعلقات اچھے رکھیے، اس لیے کہ ہم ایک گھر کے محتاج ہیں. ان کے کیا ایک بیت مدح اہل بیت میں کہا جنت میں ایک بیت مل گیا تو وہاں ان کی پوری پوری کالونیاں ہوں گی، پوری پوری بلڈنگیں، جتنے بھی فلیٹ ہیں سب انہی کے ہیں. تو ایک میں وہ خود رہیں گے، باقی خالی رہیں گے. تو عزیزان گرامی، جس کی جو چیز ہوتی ہے اس پہ اس کو اختیار تو ہوتا ہی ہے. جس کی جو چیز ہوتی ہے اس کے اوپر اس کو اختیار تو ہوتا ہی ہے. تو ان سے تعلقات اچھے رکھیے. یہ قصیدے پڑھتے ہیں تو ان کو وہاں بیعت ملتے ہیں. تو آج بھی مولا علی کا دربار سجا ہوا ہے، باقی ہے، قصیدے خوانی ہوتی ہے. آئیے 13 رجب میں آئیے، 3 شعبان میں آئیے، 15 شعبان کو آئیے،
15 रमजान को आइए, हमारे यहाँ कसीदे खानी होते हैं। किसकी मदह में कसीदा है? हजरत अली की मदह में, इमाम हसन की मदह में, इमाम हुसैन की मदह में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम की मदह में, इमाम मोहम्मद बाकर की मदह में, इमाम जाफर सादिक की मदह में, इमाम मूसी काजिम की मदह में, इमाम अली रजा की मदह में, इमाम मोहम्मद तकी की मदह में, इमाम अली नकी की मदह में, इमाम हसन अस्करी की मदह में, कायम आले मोहम्मद की मदह में। थोड़ा खुदा की वही शख्स पाक हो जाता। कहा ये किसने, जरा पूछिए मौर्रिख से, अली ना होते तो मैं भी हलाक हो जाता। आज भी हमारे 12 इमामों के कसीदे, सिद्दीक़ा ताहिरा का कसीदा। अच्छा, जब कसीदे होते हैं उनमें गुलामों का भी जिक्र होता है, सलमान का भी जिक्र होता है, अबू ज़र का भी जिक्र होता है, मिकदाद का भी जिक्र होता है, गुलामों का भी जिक्र होता है, आका का भी जिक्र होता है। भाई ये कसीदे खानी क्यों हो रही है? ये कसीदे खानी काहे के लिए है? कसीदे खानी इस बात का सबूत है कि अहले बैत नबी मौजूद हैं। कसीदे खानी इस बात का सबूत है कि उनका दरबार आज भी सजे हुए हैं। वो और होंगे जिनके दरबार उजड़ गए, इनका दरबार आज भी है, इनका घर भी आज आबाद है। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, इनका घर भी आज आबाद है। लाखों मुसलमान उस घर को देखने भी जाते हैं। इनके घर का नाम है बैतुल्लाह। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, इनके घर का नाम है बैतुल्लाह। क्योंकि घर का पहचान कैसे होती है? किसका घर है? अगर कोई घर बनाया जाए, बंद कर दिया जाए, बड़ी जहमत होगी। किसका घर है? किसका घर है? किसका घर है? घर की अलामत एक ये भी है कि कौन उस घर पर इख्तियार रखता है, कब जाता है, कब आता है। क्या भाई घर के अंदर तो मेहमान भी आते हैं, मेहमान भी जाते हैं। बेशक घर में मेहमान दरवाजे से आते हैं, दरवाजे से जाते हैं, लेकिन घर वाले को यह इख्तियार है कब कौन सा दरवाजा बंद कर दे, कब कहां पर दरवाजा बना दे। अब हैदरी, अब अगर यकीन ना हो तो आओ देखो गदीर खुन के मैदान में। नहीं आना चाहते, आओ मक्के के करीब। एक माँ है जो दीवार को पकड़े हुए खड़ी है और दीवार मुस्कुरा दी, नया दर बन गया। आज भी उस जगह पर निशान बना हुआ है, भैया चौकठा कहा है का ये है वो जगह जहां पर से खाने काबा की दीवार फटी थी, फातिमा बिनते असद अंदर गई थी। अब आप समझे ये बैतुल्लाह अल्लाह का घर कहलाता है, मगर अल्लाह इसमें रहता नहीं है। अगर कोई मुसलमान ये तसव्वुर कर ले अल्लाह इसमें रहता है, ईमान रुखसत हो जाए। अल्लाह को कहीं पर मुकय्यद नहीं किया जा सकता है। देखो अल्लाह ने बता दिया हमारे समझने के लिए, तुम अहले बैत को समझो, हमारे गज़ब से डरो, हमारी रजा को हासिल करो। गैज़ो गज़ब का इजहार कैसे होता है? अरे जनाब आज बड़े गुस्से में थे। खैरियत क्या हुआ? कहा मैं बैठा था उनके सामने, बड़े गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे, आंखें उनकी लाल हो गई थी, चेहरे का रंग बदल गया था। आप अंदाजा लगाते चेहरे को देखकर, आंखों को देखकर, हाथों को देखकर। अरे साहब गुस्से में बार बार आस्तीने उल्टे ले रहे थे, बड़ा गुस्सा था उन्हें, आज चेहरा पूरा सुर्ख हो रहा था। देखिए मौलाना से इस वक्त ना बोलिएगा, बड़े गुस्से में बैठे हुए। क्या हुआ, कुछ किसी को कह दिया? कहानी देखिए चेहरा कैसा सुर्ख है। तो गुस्से का इजहार चेहरे से होता है। भाई आज बड़ा अच्छा मिजाज है, बहुत खुश हैं। क्या हुआ, कुछ मालूम है? क्या कुछ मालूम तो नहीं है, जरा जरा सी बात पर मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो चेहरे से रजा भी मालूम होती है, चेहरे से गैज़ो गज़ब भी मालूम होता है। कुरान में जगह जगह पर है, अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, फुला से अल्लाह राजी हो जाए, ढमक से अल्लाह राजी हो जाए, उनसे अल्लाह राजी हो जाए, उनसे अल्लाह राजी हो जाए। ये पता कैसे चले राजी हुआ या नहीं हुआ? परवरदिगार आओ अपने चेहरे को दिखाओ, मैं नहीं आने वाला,
अपने चेहरे को दिखाने के लिए हमें बुला लो। कहो मूसा से कह दिया लन तरानी या मूसा, सुबह कयामत तक कभी भी तुम हमें नहीं देख सकते महबूद, तो हम कैसे देखें तू नाराज है, हम कैसे देखेंगे तू राजी है। आवाज कुदरत आएगी हमें ना देखो, वजहुल्लाह है जो उसे देखो, ऐनुल्लाह है जो उसे देखो, लिसानुल्लाह है जो उसे देखो। अली को देखो, अली को देखो, मेरी रजा अली से मिलेगी, अली बताएंगे कि अल्लाह किससे राजी है। और देखिए मौला अली में क्या है, वजहुल्लाह, लिसानुल्लाह, उज़्नुल्लाह, ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, यदुल्लाह, नफ्सुल्लाह है, इतनी चीजें अली के साथ है ना, जिसमें ये अल्लाह लग जाए वो काबिले एहतराम है। आदम सिफतुल्लाह, नूह नबीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, काबा बैतुल्लाह, कुरान कलामुल्लाह। अब ये जितने नाम मैंने लिए कैसे मुकद्दस हैं या गैर मुकद्दस? आदम सिफतुल्लाह, नूह नबीउल्लाह, मूसा इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान किताबुल्लाह, काबा बैतुल्लाह, सबको एक अल्लाह मिला। सिफतुल्लाह, नबीउल्लाह, रसूलुल्लाह, कलीमुल्लाह, लेकिन ये ज़ाते अली है, नफ्सुल्लाह, वजहुल्लाह, यदुल्लाह। तो अल्लाह ने भी कहा ठीक है आदम सिफतुल्लाह, आदम सिफतुल्लाह, नू नबीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, काबा बैतुल्लाह, और कुर्बानी के बकरे वगैरह और हज की निशानियां शारुल्लाह। तो अजीज आने गिरानी ये सब मोहतरम है, तो जिस तरह से कुरान मोहतरम, काबा मोहतरम, आदम मोहतरम, उसी तरह से अली भी मोहतरम। ये वजहुल्लाह, ये लिसानुल्लाह, ये उज़्नुल्लाह, ये वजहुल्लाह, ये ऐनुल्लाह, ये नफ्सुल्लाह है ना। मैं कहूंगा आदम आप सिफतुल्लाह रहे, दुश्मन को छोड़ दिया। नूह आप नबीउल्लाह रहे, दुश्मन को छोड़ दिया। इब्राहिम आप खलीलुल्लाह रहे, दुश्मन को छोड़ दिया। मूसा कलीमुल्लाह रहे, आपने दुश्मन को छोड़ दिया। ईसा आप रूहुल्लाह रहे, दुश्मन को छोड़ दिया। मोहम्मद आप रसूलुल्लाह रहे, दुश्मन को छोड़ दिया। लेकिन अली हैं वलीउल्लाह, नफ्सुल्लाह, ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह। तो अब मेरा भी एक जुमला कहने को दिल चाहता है, मेरा मौला ऐनुल्लाह, मेरा मौला ऐनुल्लाह, अली ऐनुल्लाह, अली ऐनुल्लाह, अली लिसानुल्लाह, अली नफ्सुल्लाह, अली यदुल्लाह, अली उज़्नुल्लाह, अली नफ्सुल्लाह। और अब जो अली के मुकाबिल आ जाए वो भी लानतुल्लाह। तो अब इनका दुश्मन लानतुल्लाह, घर का दुश्मन हो वो भी लानतुल्लाह, बाहर का दुश्मन हो वो भी लानतुल्लाह, रिश्ते का दुश्मन हो वो भी लानतुल्लाह, मनसब का दुश्मन हो वो भी लानतुल्लाह, इनके नफ्स का दुश्मन हो वो भी लानतुल्लाह, मस्जिद में इनका दुश्मन हो वो भी लानतुल्लाह, मैदान में इनका दुश्मन आए वो भी लानतुल्लाह, पैदल इनके मुकाबले पर आए वो भी लानतुल्लाह, ऊंट पे सवार होके आए वो भी लानतुल्लाह, जो भी अली के मुकाबले आ जाए। इसलिए आदम के मुकाबले जो आए लानतुल्लाह, नूह के मुकाबले जो आए लानतुल्लाह, मूसा के मुकाबले जो आए लानतुल्लाह, ईसा के मुकाबले जो आए लानतुल्लाह, काबे के मुकाबले जो आए लानतुल्लाह, कुरान के मुकाबले जो आए वो लानतुल्लाह। अच्छा देखिए, हमारे ज़माने में रसूल हैं नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान किताबुल्लाह, काबा बैतुल्लाह, ये तीन अल्लाह अल्लाह लगा हुआ है, रसूलुल्लाह, बैतुल्लाह, किताबुल्लाह। अब अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई अपने को कहने लगे
तो बताइए, अगर कोई आदमी कहे मैं इतना रिफाइंड हो गया हूँ कि बिल्कुल मोहम्मद रसूलुल्लाह हो गया हूँ और मैं बिल्कुल नबी की तरह से हूँ, आप क्या करिएगा? लानत हो, ये नबी हो सकता है? मोहम्मद के मुकाबिल पर कोई मोहम्मद नहीं बन सकता गैरों में है। अच्छा जनाब, मैंने बड़ी मेहनत की, देखे हजारों, मैं ऐलान करता हूँ, किताबों का ऐलान करता हूँ, फुला किताब फुला साहब ने लिखी है ले लिए। कल भी मैंने ऐलान किया था कि बालिस्टर लाखा साहब ने जो तर्जुमा किया है मफातुल जिनान का, उसे आप खरीद लीजिएगा और आप लोग तारीफ करते हैं, भाई फुला मौलाना ने इतनी किताबें लिखी, फुला मौलाना ने इतनी लिखी। अरे साहब बहुत बड़े आलिम हैं, 300 किताबें लिखी, 400 किताबें लिखी। अरे किताबें लिखते लिखते उंगलियाँ टेढ़ी हो गई, इतनी किताबें लिखी, तारीफ करेंगे आप, बड़ी किताबें लिखी। मगर अगर कोई ये कहे कि कुरान के मुकाबिल कुरान लिखा, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर कोई ये कहे कि कुरान के मुकाबिल कुरान लिखा है जनाब, अब वो 1400 साल पुराना वाला कुरान ना लीजिएगा, नया कुरान आया है, फुला आलिम ने लिखा है, कि खुदा की लानत हो, कुरान एक है। कुरान का जैसा आप कुरान नहीं, मोमिनीन मस्जिदें बनवाते हैं, फुला साहब ने बांद्रा खोजा मस्जिद बनाई सुभान अल्लाह, फुला साहब ने मुसाफिर खाना बनाया माशाअल्लाह, फुला साहब ने जनाब ज्यारतों में जाइए तो वहाँ मुसाफिर खाना बनाया माशाअल्लाह, बम्बई इतना मसरूर जगह जहाँ होटलों की कीमत ज़्यादा है, मोमिनीन के लिए मुसाफिर खाने तामीर कराए माशाअल्लाह, बहुत सी इमारतें लोग बनवाते हैं, मुसलमान बनवाते हैं, हाजियों के लिए है, ज़ायरीन के लिए है, नमाजियों के लिए है, इमामबाड़े के लिए है, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, बहुत अच्छा काम किया रे, इतनी इमारतें इन्हीं ने बनवाई हैं। लेकिन अगर वही साहब ये कहें हाजियों तुम्हारी सहूलत के लिए हमने इंडिया में काबा बना दिया, लाखों डॉलर खर्च करने वाला अगर कोई मुसलमान ये कहे कि वहां कहां भीड़ में जाते हो शैतान को मारने में खुद मर जाते हो है, कहां वहां जाते हो, हमने देखो एक काबा इंडिया में बनवाया, एक पाकिस्तान में बनवाया, एक बांग्लादेश में बनवाया, एक यूरोप में बनवाया, एक अमेरिका में बनवाया, एक अफ्रीका में बनवाया, एक अफगानिस्तान में बनवाया, हमने इतने काबे बनवा दिए हैं। तो अब जनाब जब कोई मुसलमान सुनेगा कि अगर लानत हो खुदा की, गुमराह हो गया है, अरे उसने अपना घर नहीं बनवाया, अल्लाह का घर बनवाया है, अपना नहीं बनवाया, कहा नहीं वो अपना नहीं बनवाया मगर वो गुमराह। भाई क्यों गुमराह? काबा बनाया है ना, गुमराह क्यों? गुमराह क्यों? क्या काबे के मुकाबिल कोई काबा नहीं हो सकता? अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, उसने अपने लिए नहीं बनवाया, अपनी औलादों के लिए नहीं बनाया, अपनी दामादों और बहुओं के लिए नहीं बनवाया, ये बनवाया है अल्लाह के लिए। उसका नाम भी बैतुल्ला रखा है, उसका नाम भी काबा रखा है, उसको उसने वफ़ कर दिया है, अपनी औलादों में भी उसने कह दिया है कि किसी की मीरास नहीं, अल्लाह का घर है। मगर वो लानतुल्ला, वो लानतुल्ला, वो लानतुल्ला, काबे के मुकाबले एक काबा भी अगर दुनिया में बन जाए तो बनाने वाला लानतुल्लाह, बनाने वाला लानतुल्लाह, काबे के मुकाबले जो काबा बनाए वो लानतुल्लाह, काबे के मुकाबले जो काबा बनाए वो लानतुल्लाह, काबे के मुकाबले जो काबा बनाए वो लानतुल्लाह। नबी ने क्या इरशाद फरमाया कि याली तुम्हारी मिसाल काबे की जैसी, काबे की जैसी तुम्हारी मिसाल है, तुम मिसले काबा हो, जिस तरह से कोई दूसरा काबा नहीं बना सकता उसी तरह से कोई दूसरा अली भी नहीं बना सकता। अज़ीज़ाने गिरामी, काबे के मुकाबिल कोई काबा बनाए, अब किसी मुफ्ती से पूछिए उस काबे में जाना जायज है ना जायज है, जो काबे के मुकाबिल बनाया गया का उधर जाना हराम है, उधर नमाज पढ़ना जायज है ना जायज है, काबा है ना, का काबा तो बिल्कुल काबे का जैसा है, कद भी उतना ही बड़ा है, जसामत भी उतनी है, लंबान चौड़ान उचान गहरान सब उतनी है, पत्थर भी वैसे ही है, दरवाजा भी वैसा ही है, गिलाफ भी वैसा ही है, क्या है तो वैसे ही, मगर बनाया किसने? फुला हाजी साहब ने बनाया, फुला मुसलमान साहब ने बनाया, कहा यही तो फर्क है, बनाया तो वैसा
मगर हाजी ने बनाया ना, वो खलील ने बनाया है, वो जबही ने बनाया है, वो अमीन ने बनाया है, अपने कहने से नहीं बनाया है, अल्लाह के कहने से बनाया है। तो खाली चीज वैसी बना लेना काफी नहीं है, अल्लाह की तरफ से बनाई जाए, नबी बनाए। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, नबी बनाए। देखिए आज फिर मैं उस मोड़ पे आ गया कि घड़ी की सुई बढ़ जाएगी और मेरी तकरीर रुकेगी नहीं, लेकिन मैं अब ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे मसायब भी अर्ज करना है। तो काबे के मुकाबिल काबा नहीं बन सकता, अली के मुकाबिल अली नहीं बन सकता। हाँ, काबे के मुकाबिल काबा तो नहीं बन सकता है, मगर काबे की शबीह मस्जिद की शक्ल में जरूर बन सकती है। मस्जिद के अहकाम अलग हैं, काबे के अहकाम अलग हैं। मस्जिद के अहकाम अलग हैं, काबे के अहकाम अलग हैं। मस्जिद को भी अल्लाह का घर कहा जाता है, अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है, जबकि हर एक के दिल में अल्लाह का घर है। इरशाद है कि अल्लाह का घर, जब किसी ने नबी से कुछ पूछा तो नबी ने उसमें जवाब दिया कि अल्लाह का घर तो तुम्हारे दिल है। दिल क्या है? अल्लाह का घर। मोमिन का घर कहाँ है? असल घर। मोमिन का घर है जन्नत। अल्लाह का घर कहाँ है? मोमिन का दिल। और मोमिन का घर है जन्नत, अल्लाह का घर मोमिन का दिल। अब देखिए ताल्लुकात सही रखिएगा। अगर आपने अल्लाह के घर में किसी को काबिज कर दिया, जो आपके अंदर है अल्लाह का घर दिल, अगर आपने अल्लाह के घर में किसी को काबिज कर दिया तो भी अल्लाह आपके घर में भी किसी को भेज देगा। आप उसके घर में उसे रहन दीजिए, वो आपको आपके घर में रहन देगा। तो जिस तरह से काबा अल्लाह का घर है मगर अल्लाह रहता नहीं, उसी तरह से दिल अल्लाह का घर है मगर अल्लाह नहीं रहता। काबे में कौन रहा बताइए? इब्राहिम से लेकर आज तक काबे में रहा कौन? कौन काबे में सोया? कौन काबे में जागा? कौन काबे में पैदा हुआ? एक ही जात है ना, दो ही हैं जो काबे में रहे। एक अली काबे में रहे, एक अली की माँ काबे में रही। एक दिन नहीं, तीन दिन काबे में सोई, काबे में जागी। तीन दिन तीन रातें अली की माँ अली को लेकर काबे में रही, काबे में रही। तो अब जाहिरी अल्लाह के घर को पहचानिए कि अल्लाह का घर वो होता है जिसमें अली रहे। अब आप समझे मोमिन का दिल अल्लाह का घर है? अब आप समझ रहे ना? जब तक के दिल में अली रहेंगे उसी वक्त तक जन्नत मिलेगी, और जहां अली निकल गए वहां जन्नत भी चली गई। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। तो अजीजान या अली या अली या अली मदद। अजीजान गिरामी बरादरान ईमानी, तो अली की मोहब्बत सिरात मुस्तकीम है, अली की मोहब्बत सीधा रास्ता है, अली की मोहब्बत जन्नत तक ले जाने वाली है, अली की मोहब्बत जाम कौसर दिलवाने वाली है। ठीक है, हमें उन पर भरोसा है, आपको जिस पे भरोसा हो आप उस पर भरोसा कीजिए। जरूरी नहीं है कि सारा मजमा अली के दर पर जमा हो जाए। हम यही भीड़ से परेशान, हम तो चाहते हैं यही जाएं जो यहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठे से मुराद खाली यहाँ की मजलिस में नहीं, जो भी गम अहले बैत की मजलिस में शरीक होता है। और यही वजह है, अल्लाह का शुक्र है, उसका करम है कि उसने मौला अली की मोहब्बत हमारे दिलों में दी। मोहब्बत है और ये इजहार मोहब्बत अहले बैत है। मुख्तलिफ जावियों से जाकिर आपकी खिदमत में आके जिक्र अहले बैत करते हैं। इंशाल्लाह जुमेरात के दिन, यानी जुमेरात को 7 मुहर्रम होगी गालिबन, 7 मुहर्रम को बाद नमाज जोहरैन, जोहर असर की नमाज के बाद इसी मस्जिद में अम्मे मोहतरम खतीब अकबर आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अथर साहब कबला सदर आल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड यहाँ खिताब फरमाएंगे। आप हजरात से गुजारिश है
कि उस दिन तशरीफ लाएं, उनकी बसीरत अफरोज तकरीर को समाप्त फरमाएं। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी बरादरान ईमानी मोहब्बान अहल बैत, अब ऐलान हुआ है तो हमारा भी एक ऐलान सुन लीजिए कि हर साल की तरह से इस साल भी हबीब बिल्डिंग, हाजी मोहम्मद बिल्डिंग, हबीब जूनियर ओल्ड स्कूल जिसमें था पहले, उसके अंदर एक किताबी मजहबी किताबों की एक नुमाइश लगाई गई है, जिसका वक्त दिन में 5 बजे से सीपहर 5 बजे से रात 11 बजे तक है, जिसमें अंग्रेज़ी हिंदी उर्दू में जबानों की मजहबी किताबें मौजूद हैं, और 25% आपको उस पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप हजरात से गुजारिश है कि उधर जब जाइएगा तो वहाँ ज़रूर तशरीफ ले जाइएगा। और ये सब वही काम है कि जो मैं काम मेंबर से कर रहा हूँ। एक होता है सिपाही मैदान में लड़ता है, मगर खाली हाथ थोड़ी लड़ता है, उसके हाथ में असलाह होता है, चाहे वो जदीद असलाह हो चाहे वो कदीम हो। तो ये किताबें अहले बैत के सिपाहियों का असलाह हैं, तो ये असलाह हर घर में होना चाहिए किताब की शक्ल में, ताकि आप अपने नफ्स से भी जिहाद जब करें तब भी ये काम आए, और जब आप अपने मुकाबिल के दुश्मन से जिहाद करें तब भी ये किताब आपके काम आए। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी बरादरान ईमानी मोहब्बान अहल बैत, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, बस अभी तक आपने मेरी तकरीर को सुना, आपने दुरूद भेजा, तारीफ की, नारे लगाए, ये मेरे हक की बात थी, आपने मेरी हौसला अफजाई की, मेरे हौसले को बढ़ाया। लेकिन अब जो जिक्र होने जा रहा है इसमें किसी बीबी का हक है, आंसू किसी बीबी के हक है, फातिमा का हक है आंसू, जहरा का हक है आंसू, करबला के शहीदों का हक है आंसू। कल मैंने जनाब ओनो मोहम्मद के मसाइब पढ़े, आपने बाज़ बुलंद गिरिया किया, खुदा आपको सलामत रखे। कल जैनब के लाडलों का मातम था, आज हुसैन के लाडले का मातम है। कल जैनब को पुरसा पेश किया था, आज उम्मे रबाब को पुरसा पेश कीजिए। कल उस बीबी को आपने पुरसा पेश किया था कि जो पंजनत पाक की आगोश में पली, आज उस बीबी को पुरसा पेश कीजिए जो खानदान बनी हाशिम से तो नहीं है। हुसैन की जौजियत में जब से आई तो अपने मिजाज को इतना ढाल लिया, क्या ये बीबी भी कोई गैर बीबी नहीं लगती। अज़ादारों समझ गए ना आप, आज 6 महीने के अली असगर का जिक्र है, अली असगर का जिक्र है, मैदान करबला का सबसे बड़ा शहीद, मैदान करबला का सबसे अजीम शहीद अली असगर। सिनो साल में देखने में तो कम सिन है, लेकिन अली असगर फजीलतों में बहुत बुलंद है। फजीलत में मैदान करबला में, मैदान करबला में, बाजार शहादत में एक फजीलत अली असगर को ऐसी मिली जो फजीलत मैदान करबला में ना हुसैन को मिली, ना अब्बास को मिली, ना अली अकबर को मिली, ना ओनो मोहम्मद को मिली, ना कासिम को मिली, ना मुस्लिम इब्ने औसजा को मिली, ना हबीब इब्ने मजाहिर को मिली, ना ज़ोहर क़ैन को मिली, ना जनाब हुर को मिली, ना फरजंदे हुर को मिली, ना ओनो मोहम्मद को मिली, ना बनी हाशिम को मिली, ना बनी हाशिम के गैर को मिली। एक फजीलत ऐसी मिली है, एक फजीलत अली असगर को ऐसी मिली है जो मैदान करबला में हुसैन को भी फजीलत नहीं मिली। अदादारों अब्बास लड़ने गए मगर घोड़े पर सवार हुए, अली अकबर लड़ने गए मगर घोड़े पर सवार हुए, ओनो मोहम्मद मैदान में गए मगर घोड़े पर सवार हुए, कासिम मैदान में गया मगर घोड़े पर सवार हुए,
हुसैन मैदान में गए, जुलजना पर सवार होकर गए। या अब्दुल्ला, आप भी जब मैदान कुर्बानी में गए तो घोड़े का सहारा लेकर घोड़े पर सवार होकर गए, लेकिन सलाम हो 6 महीने के अली असगर पर। करबला का हर शहीद घोड़े पर सवार हुआ, लेकिन अली असगर घोड़े पर सवार नहीं हुआ, हुसैन की आगोश पे सवार हुआ। अगर सुलेमान के हाथ पर चूटी आ जाए तो वो फख्र से कहे कि मैं अफजल हूँ इसलिए कि दस्ते नबूवत पर हूँ। तो अगर कोई फख्र सुलेमान के हाथों पर हो, अरे अली असगर को सीने से लगाए हुए इस अंदाज से हुसैन गए कि कातिल भी ये समझा कि हुसैन वक्त आखिर कुरान लेके आ गए। जज़ाकअल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद है, खुदा आपकी आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत करे। अली असगर जब अबा के दामन में थे ना, तो लोग ये समझ रहे थे कि हुसैन वक्त आखिर कुरान लेके आ गए। अदादारों, दुश्मन जिसे कुरान समझता हो तो माँ उसे क्या समझती होगी, माँ उसे क्या समझती होगी। अरे रबाब से पूछिए कि अली असगर क्या हैं, रबाब से पूछिए अली असगर क्या हैं। यूं तो मौला हुसैन की आवाज़ पर लब्बैक सबने कहा, लेकिन अली असगर का अंदाज़ लब्बैक कुछ और है। कमसिन है, प्यासा है, भूखा है, जबान से नहीं कह सकता लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अपने को झूले की बुलंदी से गिरा दिया, जमीन पर अली असगर गिर गए। ज़ैनब रोने लगी, उम्मे कुलसूम रोने लगी, रुकैया रोने लगी, रबाब रोने लगी। हुसैन के कानों में बीवियों के रोने की आवाज आई, हाय मेरी ज़ैनब रो रही है, हाय मेरी उम्मे कुलसूम रो रही है, हाय हमारी सैदानियां रो रही हैं। अरे ये आवाज तो माँ की कनीस फिज़ा के रोने की है। घोड़े के रुख को मोड़ा, बहन को आवाज दी, बहन अभी भैया जिंदा है ज़ैनब, रोने के लिए पूरी उम्र पड़ी है ज़ैनब। ज़ैनब क्यों रो रही हो, ज़ैनब काहे को रो रही हो, ज़ैनब ना रो, ज़ैनब हुसैन मौजूद है अभी। भैया हम तुम पर नहीं रो रहे, तुम्हारी बेकसी पर रो रहे हैं। भैया जैसे तुमने कहा हल मिन्ना सरंजन सुरोना, अली असगर ने गहारे से जमीन पर अपने को गिरा दिया। ए बहन ज़ैनब, मेरे भाई मेरे बेटे को ले आओ, बहन ज़ैनब, ए बहन ज़ैनब मेरे बेटे को ले आओ। लेकिन देखो रबाब से कहना कि अली असगर को ले आए ताकि माँ अपने हाथों से मेरे हवाले करे। रबाब ने कहा आका काहे के लिए लेके जा रहे हैं, कर रबाब तेरा दूध खुश्क हो चुका है, बच्चा भूखा भी है और प्यासा भी है। ए रबाब मैं चाहता हूँ अली असगर को सैराब करूँ, पानी मांगूँ, हो सकता है इस लश्कर में कोई इंसान मौजूद हो जो अली असगर को 2 कतरे पानी के पिला दे। अदादारों, रबाब को मालूम था हजारों का लश्कर है। जज़ाकअल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हैं, खुदा आपको सलामत रखे। मेरी बहनें मेरी आवाज सुन रही हैं ना, जरा दिल संभाल के सुने। जो साहिब औलाद हैं वो जरा दिल संभाल के सुने। अगर आपका छोटा बच्चा 6 महीने के अली असगर थे, इस उम्र का बच्चा, अगर घर का कोई बुजुर्ग ये कहे कि हमें बाहर ले जाना है, लोगों के दरमियान लेके जाना है, तो माँ जल्दी से अपने बच्चे का लिबास बदल देती है, अपने बच्चे का मुंह धुला देती है, अपने बच्चे के बालों में कंघी कर देती है कि बच्चा जब लोगों के सामने जाए तो उसका लिबास साफ हो, उसका चेहरा धुला हुआ हो, उसके बाल परेशान न हो। रबाब को जैसे मालूम है अली असगर को हुसैन मैदान में ले जा रहे हैं पानी मांगने के लिए, तो हुसैन की गोद में अली असगर आ चुके थे, मगर रबाब आगे बढ़ी, आका थोड़ी देर
شہر کے لیے بچے کو مجھے دے دیجئے تاکہ میں علی اصغر کا کرتا بدل دوں۔ ارے رباب خیمے میں گئی، علی اصغر کو سبز کرتا پہنایا، ارے یہ علی اصغر کو کرتا ماں نے نہیں پہنایا، یہ رباب اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کو کفن پہنا رہی ہے۔ رباب علی اصغر کو کفن پہنا رہی ہے، کرتا پہنایا، کاش کو خیموں میں پانی بھی ہوتا تو رباب اپنے بچے کے منہ کو بھی دھلا دیتی، لیکن خیموں میں پانی نہیں تھا۔ عزاداروں علی اصغر کو لیا رخسار چومے، خدا حافظ، آقا نے ایک سینے سے لگایا، گود میں اٹھایا، حسین لے کے جا رہے ہیں علی اصغر کو، نفسیاتی جملے ہیں، سوچتے جائیے اور روتے جائیے، علی اصغر کو حسین لے کے جا رہے ہیں، علی اصغر کو حسین لے کے جا رہے ہیں، علی اصغر کو حسین لے کے جا رہے ہیں نا، کلیجے سے لگائے حسین اپنے 6 مہینے کے لال کو لے کے جا رہے ہیں۔ ارے علی اصغر کو حسین لے کے جا رہے ہیں، نہیں سمجھے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو حسین لے کے جا رہے ہیں۔ ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی حسین 18 سال کے بیٹے کے سینے سے نیزہ، علی اکبر کے سینے سے نیزہ کھینچ چکے ہیں، حسین کے لباس پر علی اکبر کے خون کے دھبے ہیں، علی اصغر کو گود میں لیے ہیں، دھیرے دھیرے بڑھے، ظالم قاتل بھی یہ سمجھا حسین قرآن لے کے آئے ہیں، قرآن لے کے آئے ہیں۔ حمید ابن مسلم جس نے آنکھوں دیکھا کربلا کا واقعہ، قلم بند کیا ہے، لشکر یزیدی کا مورخ ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین آئے اور حسین آ کے ایک بلندی پر کھڑے ہو گئے، شاید یہ وہی بلندی ہو کہ جہاں پر زینب کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی ہے پسر ساتھ، ارے میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا، حمید کہتا ہے میں سمجھا کہ حسین قرآن لے کے آئے ہیں، لیکن ایک مرتبہ اب جو حسین نے ابا کا دامن الٹا تو ہم نے دیکھا حسین کے ہاتھوں پر تو 14ویں کا چاند ہے۔ چودوی کی چاند کی طرح علی اصغر چمک رہے تھے۔ اس کے بعد حسین نے بلند کیا، اے لشکر جفا، حسین تمہاری نظروں میں گناہگار ہے نا، مگر 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کی ماں کا شیر خشک ہو چکا ہے، یہ بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، اس کو ایک قطرہ آب پلا دو تاکہ میری قربانی سے پہلے یہ سیراب ہو جائے۔ تھوڑی دیر حسین بچے کو گود میں لیے رہے اور خاموش کھڑے رہے، پھر خطاب کیا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا، تو لو میں اسے زمین کربلا پلٹائے دیتا ہوں۔ میں بچے کو زمین کربلا پہ لٹائے دیتا ہوں اور میں دور ہٹا جاتا ہوں، آ کے پلا دینا، پانی تم پلا دو، میں بچے کو زمین پہ لٹائے دیتا ہوں۔ عزاداروں کربلا کی زمین اتنی بھن رہی تھی کہ جیسے علی اصغر کو لٹال کے حسین کھسکے، ویسے ہی علی اصغر کروٹیں بدلنے لگا، لیکن لشکر میں سے کسی نے پانی لا کے نہیں پلایا، علی اصغر کروٹیں بدلتا رہا۔ ارے باپ سے دیکھا نہ گیا میرے لال، میرے لال علی اصغر کو گود میں لیا، رخسار کے بوسے دیے، اے علی اصغر تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہونا، اپنی حجت کو تمام کر دو میرے لال۔ علی اصغر نے سوکھی زبان، سوکھے ہوٹوں پر پھیرنا شروع کر دی، ارے میرا بابا سچ کہہ رہا ہے۔ ارے
सच कह रहा मैं प्यासा हूँ। आप रो रहे हैं, कौन सी ताज्जुब की बात है? आप तो अली असगर के हक में रो रहे हैं ना, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अरे जब अली असगर ने सूखी जबान होठों पर फेरी तो शाम का लश्कर मुंह मोड़ मोड़ के रोया, मुंह मोड़ मोड़ के रोया। पिसर साथ हुरमुला के करीब आया, हुरमुला लश्कर में बगावत फैल जाएगी, हुरमुला हुरमुला तूने शाम का नमक बहुत खाया है, हुरमुला हुरमुला हुसैन के कलाम को मुनकता कर दे, बच्चे के गले पर तीर मार दे हुरमुला। अरे बहुत बड़ा तीरंदाज है हुरमुला। अल्लाह 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 अल्लाह, ठहरिए 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 ठहरिए, उम्मे रबाब को पुरसा दे लीजिए, उम्मे रबाब को पुरसा दे लीजिए। उम्मे रबाब, उम्मे रबाब, उम्मे रबाब के वालिदे माजिद जो थे वो भी अरब के बहुत बड़े तीरंदाज थे। जनाब अली असगर के नाना अरब के बहुत बड़े तीरंदाज थे, तारीखों में उनका नाम मौजूद है, बहुत बड़े तीरंदाज थे। और उम्मे रबाब ये बयान करती हैं कि अक्सर मेरा बाबा तीरों की किस्में मुझे भी बताता था और मैं भी सुनती थी कि तीर कितने किस्म के होते हैं। अजादारों, उम्मे रबाब को मालूम था किस तीर का क्या असर होता है। उम्मे रबाब को मालूम था एक मुंह का तीर कैसा होता है और तीन मुंह का तीन भाला तीर कैसे होता है। अरे आप जरा सोचिए रबाब के कलेजे पर क्या गुजरी होगी। अरे एक मर्तबा हुरमुला कहता है मैं झूमता हुआ चला, मुख्तार बयान करते हैं दरबार मुख्तार में, हुरमुला बयान कर रहा है कि मैंने अली असगर के गले की सफेदी का निशाना लिया तो मैंने चाहा तीर छोड़ूं तो मैंने देखा नबी जुल्फे बिखेरे हुए आ गए। हुरमुला इसने क्या खता किया हुरमुला, अरे मेरे तीर मार दे हुरमुला, अरे हुरमुला मेरे तीर मार दे, हुरमुला मेरे तीर मार। सात मर्तबा तीर जमीन पर गिरा, आखिरी मर्तबा जो तीर मारा जमीन करबला हिलने लगी। अब जो आंखें खोली तो हुसैन तीर खेच रहे बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबीलिल्लाह। अरे बच्चा बाप की आगोश में उलट गया, में अली असगर का लहू लिया, आसमान ने इंकार, जमीन को इंकार, हुसैन ने उस लहू को चेहरे पे मला नाना। रो लिए आप इतना कि मजलिस खत्म हो सकती है, लेकिन दो जुमले और सुन लीजिए, दो जुमले और सुन लीजिए। अरे अब अली असगर का लाशा हुसैन लिए हैं, अरे रबाब से तो कह के आए हैं पानी पिलाने ले जा रहे हैं, क्या कहें रबाब से। सात मर्तबा आगे बढ़े, रोज़े आशूरा इस मस्जिद में आमाले आशूरा होते हैं ना, आप आगे बढ़ते हो पीछे हटते हैं, ये हुसैन की वो सीरत है जो अली असगर के लाश को लाते वक्त अंजाम दी थी। सात मर्तबा हुसैन आगे बढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह अल्लाह आगे बढ़े पीछे हटे, आसमान को देखा, तंगी वक्त का ख्याल किया, रबाब में रबाब तेरा बच्चा आ गया, रबाब रबाब आओ अली असगर को ले लो। रबाब से पहले बहन सकीना आ गई, 4 साल की बहन अपने 6 महीने के भाई के पास आई है, 4 साल की बहन 6 महीने के भाई से मिलने आई है, लेकिन बाप के कबा को पकड़ के कहती है बाबा सीने पे मुझे सुलाते थे मुझे प्यासा रखा, ए बाबा अली असगर को सैराब कर दिया, ए बाबा अली असगर को पानी पिला लाए, ए बाबा मेरा गला सूख रहा है, ए बाबा मेरे गले में कांटे पड़े हैं। हुसैन ने कुछ जवाब ना दिया, अबा के दामन को फिर उलट दिया। बच्ची ने झपट के अपने भैया को ये सोच के देखा होगा
کہ اب علی اصغر آنکھیں کھولے ہوئے مسکرا رہا ہوگا. ارے مسکرا تو رہا تھا مگر علی اصغر خون کی الٹیاں لے رہے تھے. بچی نے تماچے مارے اما حسین نے کہا رباب صبر کرنا. رباب نے صبر تو کر لیا مگر اتنا ضرور پوچھ لیا, اتنا ضرور پوچھا کہ آقا اتنا بتا دیجئے کیا کربلا میں 6 مہینے کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ دیکھے جانوروں کے ذبح کرنے کے چند طریقے ہیں. اونٹ کو خنجر سے نہیں ذبح کیا جاتا ہے, نہر کیا جاتا ہے, نہر کیا جاتا ہے. تو کیا میرا بچہ اونٹ کے مانند ہے کہ میرے بچے کو اس طرح سے نہر کیا گیا؟ عزاداروں رکھیے, آج علی اصغر کی ماں کا ذکر سن لیجئے. 2 منٹ کے اندر مجلس ختم ہو رہی ہے. انشاءاللہ آپ روتے رہیں گے, آپ روتے رہیں گے. دیجئے پرسا فاطمہ کو, دیجئے پرسا ام رباب کو. حسین نے کہا رباب صبر کرنا, رباب صبر کرنا. حسین نے کہا تھا تو رباب نے صبر کر لیا. کربلا کا لٹا ہوا قافلہ کوفے گیا مگر رباب صبر کیے ہے. شام میں قافلہ گیا مگر رباب صبر کیے ہے. اپنی بیٹی سکینہ کی قبر بنتے دیکھی مگر صبر کیا. لیکن جب کربلا یہ قافلہ پھر واپس آیا اور 7 دن تک حسین کے مزار پر یہ قافلہ روتا رہا, اب امام نے کہا چلو قافلے والوں مدینے. ارے سب سوار ہو گئے, سب سوار ہو گئے. ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, اب مجھ میں بھی پڑھنے کی طاقت نہیں. ٹھہریے عزاداروں, جب آپ بھی زیارت کرنے جاتے ہیں, قبر حسین کی زیارت کرتے ہیں اور الوداعی زیارت پڑھتے ہیں تو ظاہر کا عالم یہ ہوتا ہے روزے کے باہر نکل جاتا ہے, پھر دوڑ کے آتا ہے ایک بار اور دیکھ لیں, پھر جاتا ہے, پھر دوڑ کے آتا ہے ایک بار اور دیکھ لیں. اور جب لوگ بسوں پر سوار ہو جاتے ہیں تو مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں حسین کے گنبد کو. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, حسین ہم جا رہے ہیں, حسین حسین کربلا سے ہم جا رہے ہیں. ارے جب مدینے قافلہ واپس آ رہا تھا زینب بار بار بھیا کی قبر دیکھ رہی تھی. بھیا بھیا زینب جا رہی ہے, لیکن ایک مرتبہ زینب کی نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ قبر کے سرانے, قبر کے سرانے ایک بی بی سر جھکائے بیٹھی ہے. زین العابدین قافلہ روکو, دیکھو یہ کون بی بی ہے. بیٹا میں جا کے اس بی بی سے پوچھتی ہوں. آئیں گے بی بی, قافلہ جا رہا ہے, جائیے. بی بی قافلہ تیار ہو گیا, مدینے جائیے. بی بی اٹھئے, یہ بی بی کچھ نہیں بولتی. ایک مرتبہ زینب نے کہا بی بی تم نے پہچانا نہیں, میں علی کی بیٹی زینب ہوں. زینب کہہ رہی ہے چلو. اتنا کہنا تھا بی بی نے سر کو اٹھایا. زینب نے اب جو دیکھا رباب کی ماں, رباب بیٹھی ہیں, علی اصغر کی ماں بیٹھی ہے. اے بھابی رباب چلیے, شہزادی آپ جائیے مجھے کربلا میں رہنے دیجئے, شہزادی آپ جائیے مجھے کربلا میں رہنے دیجئے, شہزادی آپ جائیے مجھے کربلا میں رہنے دیجئے. زینب کہتی ہے میں تنہا نہیں چھوڑوں گی, چلیے. کہ شہزادی ایک جواب دے دیجئے, آپ کا بھائی مارا گیا, ہاں مارا گیا. آپ کے بیٹے مارے گئے, ہاں مارے گئے. آپ کا شوہر مارا گیا؟ کہ نہیں نہیں, میرا شوہر مدینے میں زندہ ہے, عبداللہ مدینے میں زندہ ہے. ارے اب آپ جائیے, میں کیا کروں؟ سکینہ قید شام میں سو گئی, علی اصغر کے تیرے ہرملا لگا. رباب کا سوار کربلا میں اجڑ گیا.